डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसकी शूटिंग अभी चल रही है, तो वो है SC ST और OBC वेलफेयर स्कीम के बारे में। तो देखिए, इंडिया के अंदर में काफी सारी स्कीम चलती रहती हैं, तो जो है इसका जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, SC ST एंड OBC का, तो उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, जितने भी बच्चे दिल्ली के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो मैं ये दिल्ली के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए, ये जो स्कीम है, सबसे पहले मैं आपको इसके मेन हाईलाइट्स बता देता हूँ। ये दो तरीके की स्कीम होती है, जो एक स्टेट फंडेड होती है और एक आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो देखिए, ये जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं जो उसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो मैं दोनों की बताऊंगा। और जो दिल्ली के अंदर में है, देखिए उसमें चार तरीके की आपको जो है स्टेट फंडेड, जो दिल्ली स्टेट है उसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो चार तरीके की है, लेकिन उसमें से मैं तीन तरीके की बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो चौथी वाली है वो काफी बड़ी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप अभी दी जा रही है, ये बेसिकली जो है एकेडमिक सेशन 2020 और 2021 वाले की दी जा रही है, क्योंकि देखिए अभी एंड ईयर होने वाला है और कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो इसकी लास्ट जो डेट है वो आप सुन लीजिए, 31 मार्च 2021 है, उसके बाद में ये स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी इस एकेडमिक सेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आप भी इस कैटेगरी में आते हो या आपके बच्चे जो है इस कैटेगरी में आते हो, तो बेसिकली ये जो है बच्चों के लिए है जो पढ़ते हैं, ये जो वजीफा है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये उन्हीं को ही मिल पाती है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी, जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो है ट्यूशन फीस के बारे में, जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12वीं तक के लिए दी जाती है। तो देखिए, उसमें जो है एक क्राइटेरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सुन लीजिए। जो इनकम है आपकी, जो फैमिली की जो इनकम है, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए SC ST या OBC ग्रुप में, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक शर्त और है कि देखिए, आपका जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप ये जो है ट्यूशन फीस जो है रिम्बर्स होगी आपको। या आपके पास में जो है आपके फादर का, या अगर आप खुद पढ़ते हैं तो उसका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी फैमिली का, जो कि मैंने बताया है कि 3 लाख से कम का सालाना का होना चाहिए, जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको जो है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो बहुत मैंडेटरी है। और देखिए, जो आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ वो जो है स्कूल या तो दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, या बोर्ड, किसी बोर्ड में अप्रूव्ड होना चाहिए, MCD का स्कूल होना चाहिए दिल्ली का। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, बेसिकली रिकॉग्नाइज वर्ड इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो उन्हीं बच्चों को ये जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। एक इसमें जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो पढ़ते वढ़ते तो है नहीं है, लेकिन उनको जो है स्कॉलरशिप चाहिए, तो अगर कोई भी बच्चा एक साल फेल हो चुका है तो उसको ये जो है उसमें नहीं मिलेगी ये स्कॉलरशिप, केवल पास जो हो जाते हैं बच्चे उनको मिलती है। तो उसमें भी देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है ट्यूशन फीस में। तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है स्कूल की, वो आपको माफ़ कर दी जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट में डाल दी जाती है रिम्बर्स उसका करके। लैब की जो फीस है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाती है, लाइब्रेरी की फीस आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, उस बच्चे के जो है 50% से ज़्यादा मार्क आने चाहिए पिछले एकेडमिक सेशन में। दूसरा जो है, उसकी जो अटेंडेंस है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी जो बात बताऊं, देखिए इसमें जो एक्चुअल जो पे स्लिप हमारे को मिलती है हमारे स्कूल से, या तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, या आपको जो है 48,000 रुपये तक का इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनकी फीस जो है ज़्यादा होती है, तो 48,000 रुपये जो भी मिनिमम होगा वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। इसमें जो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, वो है बच्चे का बैंक अकाउंट, या फिर वो उसके फादर के साथ में या गार्जियन के साथ में ज्वाइंट होना चाहिए। देखिए, कुछ अगर इसमें समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेता हूँ दूसरे स्कॉलरशिप की, तो वो है मेरिट स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। तो देखिए, उसमें कोई भी बच्चा जो है किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, या किसी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहा है, या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है दिल्ली की, उसको जो है देखिए 8,000 से 24,000 रुपये तक के डिफरेंट काइंड ऑफ जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, क्योंकि ये दो तरीके से है, एक जो है जो हॉस्टल में रहते हैं उनको, और एक जो है नॉन हॉस्टल वाले हैं। तो आप इस चीज़ के लिए मेरे से कंफर्म कर सकते हैं अपने सवाल मेरे से पूछ के, क्योंकि यहाँ पर जो है सब चीज़ें क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो एक एक करके जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ये चीज़ की दूसरी स्कॉलरशिप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो देखिए वो दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए, सबसे पहली बात है। इन सारे क्राइटेरिया जो मैं दिल्ली के बता रहा हूँ, उसमें वो
वो जो है स्टूडेंट जो है दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए। इनकम की जो बात कर रहा हूँ मैं, देखिए इन दोनों में इनकम की जो बात है वो 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। जो अगली मैं बताऊंगा उसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मार्क की अगर मैं बात करूँ इसमें मेरिट स्कॉलरशिप में, तो देखिए उस बच्चे के जो है 60% से ज्यादा मार्क आने चाहिए और 70% से ज्यादा जो है उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए कंजुकेटिव ईयर में, यानी कि जो लास्ट ईयर था। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए उसमें भी जो है आपको बैंक अकाउंट का जो है स्टेटमेंट देनी है, यानी कि बेसिकली जो पहले वाले में जो एलिजिबिलिटी है वही इसमें भी आपको लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तीसरे की मैं बात कर लेता हूँ जो कि है, देखिए एक जो है अवार्ड है बेसिकली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से ये है, तो ये जो टॉपर हैं उनको दिया जाता है। तो इसकी जो धनराशि रखी गई है वो 25,000 रुपये है। और ये कैसे मिलती है आपको, सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि आप दिल्ली के रहने वाले होने चाहिए सबसे पहले, और आपके पास में जो है इसमें इनकम की कोई बात नहीं की गई है। बच्चे को जो है 10th और 12th जो है दिल्ली के स्कूल से पास होना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए ये दिया गया है। और ये जो 25,000 रुपये की जो राशि दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से, तो देखिए वो फाइनल एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए, टॉप जो करता है वो भी किसमें, SC ST और OBC कैटेगरी में, उन्हीं को ये दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के जो है किसी भी कैटेगरी से उसको कंपेयर करके कहेंगे कि मेरा वो आ गया, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ वाली जो है वो देखिए हायर स्टडीज की है, जो बाहर एब्रोड में जाते हैं बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके, तो उनको जो है फाइनेंशियली जो है केवल ये SC जो स्टूडेंट कैटेगरी है उनके लिए है, ये OBC और ST के लिए नहीं है। तो देखिए फाइनेंशियली सपोर्ट करती है दिल्ली गवर्नमेंट उनको, उसमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी क्राइटेरिया हैं और काफ़ी सारे जो है उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंडेड जो स्कॉलरशिप है उसकी बात कर लेता हूँ। तो देखिए उसमें 4 तरीके की हैं इसमें। पहली है पोस्ट मैट्रिक जो है SC जो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, दूसरी है आपकी पोस्ट मैट्रिक जो कि OBC के लिए है, तीसरी की मैं बात करूँ तो देखिए प्री मैट्रिक है वो जो कि SC बच्चों के लिए आती है। ये इसमें जो है देखिए 9th और 10th के जो बच्चे हैं क्लास में जो पढ़ते हैं ये उनके लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अगर आप मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो बाकी की डिटेल भी मैं आपको अगली वीडियो में बना करके दे दूंगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप कितना जानना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में। फोर्थ स्कीम की बात करूँ तो देखिए वो प्री मैट्रिक है जो कि OBC के लिए है। तो बेसिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये दो तरीके से है, एक पोस्ट है एक प्री है। जो पोस्ट है वो जो है आप ग्रेजुएशन जब कर लेते हैं उनके लिए है, SC और OBC के लिए अलग है, और प्री मैट्रिक का जो है आपका 9th और 10th का है, SC का अलग है OBC का अलग है। तो ये इसका जो है फाइनल वो था। तो अब आप पूछेंगे मेरे से कि ये भरना कहाँ है, तो देखिए ये ऑनलाइन भरे जा रहे हैं फॉर्म। तो आप जाएंगे eDistrict दिल्ली की जो वेबसाइट है eDistrict.dilligovernment.nic.in पे, तो मैं यहाँ पे उसको फ्लैश कर देता हूँ। 31 मार्च तक की इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसको भर लीजिए। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है बेसिकली वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो फॉर्म होगा वो आपने जो है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा सत्यापित यानी उस वक्त सर्टिफाई होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सर्टिफाई करेगा तभी आप उसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज आपको ये जो है बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ही ऐसा एक मतलब अथॉरिटी है जो कि इस चीज़ को सर्टिफाई करती है कि हाँ आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो है काफ़ी तरीके की और भी डिटेल हैं, आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।